मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने औली पहुंचकर 3 दिवसीय विंटर नेशनल गेम्स का शुभारंभ किया है, जहां इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। बता दें कि इस दौरान यहां देश भर से आई 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, और इसी पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। औली में आयोजित 3 दिवसीय नेशनल स्की एंड स्नो बोर्डिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कर दिया है। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर से 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए व्यवस्थाएं भी बेहतर की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ऐसी जगह पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन करवाना चुनौतीपूर्ण भले ही हो, लेकिन यहाँ की सुंदरता सभी पर्यटकों के साथ खिलाड़ियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। राष्ट्रीय स्कीइंग और स्नोबोर्ड बोर्डिंग प्रतियोगिता का यहाँ पर आगाज हुआ है, इसका शुभारंभ हुआ है और लगभग 125 के करीब खिलाड़ियों ने इसमें अपना सहभागिता कर रहे हैं। जो प्रतियोगिता यहाँ पर आज प्रारंभ हुई है, ये हमारी कोशिश है कि प्रतिवर्ष प्रकृति हमारा इसी तरह से साथ देती रहे और इसी तरह के आयोजन यहाँ पर होते रहे। वहीं कार्यक्रम में मौजूद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस जगह को और विकसित करने के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है। हम लोग बार बार NGT से बातचीत कर रहे हैं, कोर्ट में भी हम जाएंगे। हम चाहेंगे दोबारा ये जो बड़े सुंदर स्थल हैं, जिसको हम जैसे आप चोपता के अंदर जब बुरांस खिलता है तो सारा जंगल लाल हो जाता है, एंड वन हैज टू सी दैट होल फॉरेस्ट रेड, ऐसा लगता है नंदा देवी भगवती ने जैसे चुन्नी ओढ़ ली हो, तो ऐसा जो आपको दृश्य दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो हम वहाँ भी चाह रहे हैं कि हम किसी प्रकार से अनुमति लेके उसको करें और होम स्टे को डेवलप करें। यहाँ मौजूद खिलाड़ी विंटर नेशनल गेम्स को लेकर काफी उत्सुक दिखाई दिए। उनका कहना है कि औली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा लेने के लिए बेहतर है, लेकिन यहाँ और बेहतर संसाधन जुटाने के लिए काम किए जाने की जरूरत है। स्पेशली जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उसका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने कॉम्पिटिशन वाइज सब चीज़ से बहुत सपोर्ट किया है। होपफुली हम देखते हैं आगे कॉम्पिटिशन का क्या रहता है। बेसिकली डोडिक का ट्रैक नहीं है, हम लोग मैं डोडिक से इंटरनेशनल दिल्ली टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली जो ट्रैक है नोडिक का वो नहीं है, अल्पाइन के लिए बेस्ट है, तो नोडिक का ट्रैक अच्छे से बनाना चाहिए। आपको बता दें कि विंटर चैंपियनशिप में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें 278 खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, यूपी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ITBP और आर्मी शामिल हैं। औली में पहली बार उत्तराखंड सरकार की तरफ से सीनियर, जूनियर और सब जूनियर की प्रतियोगिता एक साथ हो रही है। 1300 मीटर का यहाँ पर स्लोप बनाया गया है, जहाँ 8 से 10 फरवरी तक ये प्रतियोगिता चलेगी। आज से नेशनल स्की गेम शुरू हुए हैं, जिसका शुभारंभ सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने किया और साथ में सतपाल महाराज भी थे। सभी का एक दावा है कि जो नेशनल लेवल पर यहाँ पे जो गेम्स हो रहे हैं उनको सही तरीके से करवाया जाएगा। हालांकि प्रकृति की तरफ से इस बार की जो बर्फबारी है उससे स्की के जो प्लेयर हैं उन्होंने खासा उत्साह जताया है, लेकिन स्थानीय लोगों में खासा रोष है कि राष्ट्रीय स्तर के जो प्रतियोगिताएँ होती हैं उनमें कहीं भी स्थानीय लोगों को प्रतिभाग करने के लिए तवज्जो नहीं दी जाती है। सुरेंद्र रावत, R9, औली।